हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो आज का एग्जाम था 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का, वो हो चुका है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको करंट अफेयर और साइंस के कुछ क्वेश्चन और प्लस रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे केवल मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। प्लीज़ हो सके तो अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। बेल आइकन ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। और डेली वीडियो के टाइमिंग ये है, आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, और हो सके तो लाइक करिएगा। बिकॉज मैं आज पूरा दिन आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूं, कुछ नहीं करने वाला हूं, जितने भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो आप प्लीज लाइक करके मोटिवेट करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ के सबसे पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर पता होना चाहिए आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफर्म है। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर बहुत अच्छा है, आप इजीली कर सकते हैं जैसे मैंने पढ़ा है। फिर आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से ये नहीं पता चला कितने क्वेश्चन है, बट क्वेश्चंस आए हैं। फिर यहाँ पे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आए हैं, बट ये नहीं पता कितने आए हैं। तो जिसका मुझे नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन आए तो वो नहीं बताऊंगा, बट क्वेश्चंस आए हैं तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को बता दिया है। एज से भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, परसेंटेज से भी आए हैं, पाइप एंड सिस्टम से भी आए हैं, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन आपका हो गया, ठीक है, सर्कल से भी आपके क्वेश्चन आए हैं, और आपका स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम से भी आपके क्वेश्चन आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आए हैं, और नोट करिएगा एचसीएफ एलसीएम स्क्वायर रूट इनसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये चैप्टर वो हैं सॉरी जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। अगर आप इनको छोड़ के जाते हो समझिए आप कि आप नंबर कम करके जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, और एक बहुत बड़ी बात जो मुझे लगी है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए में से रीजनिंग और मैथ बहुत सारा कुछ बिल्कुल वैसा का वैसे मिल रहा है जैसे मैंने पढ़ाया था। अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स भी देखा होगा 15 वीडियो का, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए वो 15 वीडियो बनाई थी, मैथ पे भी, रीजनिंग पे भी और साइंस पे भी। उनके लिंक अभी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार रिवाइज करके जाइएगा उन्हें, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला एक क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में था ए 22 दिन में किसी काम को कर लेता है, बी 33 दिन में किसी काम को कर लेता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में ट्विस्ट था, जो थोड़ा सा मतलब चेंज, मतलब आपको जो सोल्व करने में प्रॉब्लम कर सकता था, वो था कि ए लेफ्ट वर्क बिफोर 3 डेज, देन इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल कम्प्लीट। यानी कि ए ने काम छोड़ दिया पूरा काम कम्प्लीट होने से 3 दिन पहले, तो टोटल वर्क को कम्प्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो ये आपको बताना था। तो बहुत बार मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, अगर आप मेरे क्रैश कोर्स भी देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। चलिए आप उनको देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका लेंगे एलसीएम, या तो आप एलसीएम लीजिए या फिर कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर ले लीजिए, बट वो देखना चाहिए कि इन दोनों से आप उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर पाए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल यूनिट वर्क आ गया, इस टोटल यूनिट वर्क को मैं 22 से डिवाइड कर दूंगा तो ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है, और 66 को मैं 33 से डिवाइड कर दूंगा तो बी का एक दिन का वर्क आ जाएगा 2 यूनिट। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 दिन पहले, यानी कि जितने दिन में भी वर्क कंप्लीट होना था उससे 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो उन 3 दिनों में किसने वर्क किया होगा, उन 3 दिनों में केवल बी ने वर्क किया होगा। बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट वर्क। तो यहाँ पे मैंने टोटल यूनिट वर्क में से 6 माइनस कर दिया तो बचा कितना, रिमेनिंग 60 यूनिट वर्क। तो इस 60 यूनिट वर्क को किसने किया होगा, ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया होगा, ठीक है, क्योंकि 6 यूनिट वर्क जो अकेला बी ने किया वो मैंने माइनस कर दिया है, और जब दोनों ने मिलकर किया होगा वो 60 यूनिट वर्क होगा, ठीक है। तो ए और बी 60 यूनिट वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ए और बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करते हैं तो 60 यूनिट को कितने दिन में कर सकते हैं, 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 12। तो यहाँ पे पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 12 दिन तो ये दोनों मिलके करेंगे, और 3 दिन किया है बी ने अकेले ने, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका ये कि ए प्रोडक्ट इज सोल्ड, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जैसा क्वेश्चन मिलता है वैसा मैं लिख के ले आता हूं। अब ये आप बोलते हैं कि हिंदी में ही लेके आइए, तो मैं हिंदी में आपको बता दूंगा, ठीक है, इस चीज़ की टेंशन ना ले। ए प्रोडक्ट इज सोल्ड इज 13% लॉस इफ इट वॉज सोल्ड इन मोर 49 रुपीज़, यानी कि 49 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा जाए,
देन 22% प्रॉफिट विल अकर, यानी कि 22% प्रॉफिट हो जाता है। इफ वी हैव टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% देन सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, पूरा हिंदी में बता देता हूँ, एक प्रोडक्ट को सेल करने जब बेचते हैं तो उस पर 13% का लॉस होता है। अगर उसको 49 रुपीज़ बढ़ा के बेचा जाए तो उसमें 22% प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब बताना है कि अगर हमें 30% प्रॉफिट कमाना हो तो उसको कितने में बेचा जाएगा। देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट हार्ड बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए 13% को उसको लॉस होता था, 22% का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। ये किस कंडीशन पे हुआ है? जब उसने 49 रुपीज़ बढ़ा दिए, ठीक है, जब उसने 49 रुपीज़ बढ़ा के चीज़ को बेचा तो 13% लॉस की बजाय 22% प्रॉफिट होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो लॉस में से निकल के आया, फिर प्रॉफिट में भी आ गया, तो आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आएगा? 35%। तो 35% किसके इक्वल हो जाएगा? 49 के, क्योंकि ये 49 की वजह से ही 35% हमने कवर किए हैं, ठीक है, समझे आप इस चीज को। तो 35% बराबर 49 हो जाएगा। पूछा क्या है? 30% प्रॉफिट अगर कमाना है तो कितने में बेचना है चीज को। तो सेलिंग प्राइस, अगर हमें 30% प्रॉफिट कमाना है तो हमें सेलिंग प्राइस करनी पड़ेगी 130% की। तो ये 35% की वैल्यू आपको पता है 49 है, तो 49 को डिवाइड करेंगे 35 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 130 से, तो कितना आ जाएगा आपका? 182 आपका आ जाएगा। तो 182 में अगर बेचा जाए तो उसको उसमें हम 30% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आगे आता है तो आप उसको कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ वहाँ पे, और बहुत सारा मतलब मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। जो मैंने अभी तक वीडियोज अपलोड की है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से मिले हैं, वो सारी पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी एक ही टाइम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उन पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरा मकसद है कि आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प हो जाए, तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, 2^4 का आपको ब्रैकेट कि इसकी पावर फिर 1/2 लिखा है, इसकी पावर फिर अब n लिखा है। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस क्या है? 2 है, ठीक है, 2^4 फिर उसकी पावर 1/2 फिर उसकी पावर n है। तो आपको यहाँ पे बेस सेम करना है। अगर बेस सेम करना है तो आपको इस 259 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2^8 लिख सकते हैं। कैसे? देखिए आप करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 8 टाइम बार करेंगे आप इसको, तो ये आपका 256 ही आएगा, ठीक है। तो 2^8 हो गया, इधर 2^ यहाँ पे हम जब पावर कभी भी मतलब इस तरीके से होती है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4^1/2 n है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? 4 × 1/2, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार? 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा? 2^2 आपकी n हो जाएगा। तो n की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 2^2 n हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2^8 हो जाएगा। तो 2 दोनों का बेस सेम है तो बेस हट जाएगा, कितना बचेगा? 2n = 8। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि 2 से 4 8 कट जाएगा 4 टाइम। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4n की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सेलिंग प्राइस 828 दे रखी थी और CP आपको दे रखी थी 720, प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा गई थी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। तो आप सीधे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए और CP से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता है ना, बहुत ही आसान है, बहुत बार मैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 828 - 720 करना है और 720 से डिवाइड कर देना और 100 से कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस? 108 और 720 से डिवाइड करेंगे और 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। एक आपका देखिए यहाँ पे HCF, मैंने अभी आपको HCF, LCM, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सभी की एक वीडियो अपलोड की थी अभी रिसेंटली, मतलब इस क्रैश कोर्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें कराई थी मैंने उसमें, ठीक है। बस डिजिट सेम कर दीजिए, इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए थे, तो बहुत ही सिंपल है। HCF आपको निकालना है 108 और 27 का। तो मैंने क्या बताया था, जैसे आप LCM निकालते हो, ठीक है, उस ट्रिक से आप HCF निकालेंगे। आपको ये इस तरीके से करना है, जब तक इनको दोनों को कट करते जाना है, जब तक ये एक मतलब दोनों एक कॉमन नंबर से कट होते रहेंगे। जैसे 9 से आपने कट किया तो 12 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 12 और 3 कट जाएगा, कितनी बार? 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा 1 बार, और 12 कट जाएगा 4 बार, फिर 4 और 1 किसी कॉमन नंबर से कट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप इसको यहीं पर रोक देंगे, 9 × 3 में करेंगे, यही आपका 27 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन भेजेंगे उतना ही आप तक पहुँच पाएगा।
एलसीएम था, एलसीएम था 40, 180 और 60 का एलसीएम निकालना था आपको। तो एलसीएम की मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रखी है, बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, देखिए 360 मैंने लिखा डायरेक्ट, कुछ अप्लाई नहीं किया, ये तो मैं बताऊंगी। अदर आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अभी मतलब एकदम से नया कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप सभी करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी एलसीएम होता है वो तीनों से कंप्लीट आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है, वह छोटे से छोटी संख्या जो तीनों से भाग हो जाए वो आपका एलसीएम हो जाता है। अगर आप मैं इन दोनों में देखूं तो इन दोनों का मतलब 180 एलसीएम नहीं हो सकता, बट इन दोनों का 180 एलसीएम हो सकता है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों का 180 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, तो ये 36 18, ठीक है, ये तीन बार कट जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों का तो एलसीएम 180 हो गया, बट 180 और 40 का एलसीएम नहीं हो सकता 180। तो आपको क्या करना है, तो आपको तब तक ये नंबर बढ़ाते जाना है 180 को जब तक ये इससे डिवाइड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 180 की हमने दो में मल्टीप्लाई कितना होगा 360, अब ये 360 इससे भी तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। देखिए आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, थोड़ा मैं स्पीड में हूँ क्योंकि सोच रहा हूँ कि अभी सेकंड शिफ्ट का भी फिर स्टार्ट होने वाला है आपका, सेकंड शिफ्ट के भी आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कराने हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी वीडियोज़ बना रहा हूँ। अगर कहीं पर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, और आप ऐसा मतलब माइंड मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका 125 और 44, इसका आपको बताना था स्क्वायर रूट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पेयर बनाने हैं, ठीक है, सबसे पहले दो के पेयर, फिर लास्ट में जितनी भी संख्या बच जाए, दो बचे, तीन बचे, चार बचे, पांच चले, उनका एक अलग पेयर बना लेना है, ठीक है। और जो आप ये दो का पेयर बना रहे हैं इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ पहले वाली संख्या, ये पहले वाली संख्या किस किस के टेबल में आती है, दो के और एट के, यानी कि सॉरी स्क्वायर में आती है, ये दो के और आठ के स्क्वायर में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो और आठ लिख लेना है, जो लास्ट में बचता है उसके आपको ये देखना है कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा, यानी कि इससे छोटा एक तो स्क्वायर होना चाहिए और एक इससे आपका बड़ा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे छोटा स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, 11 का, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इससे छोटा स्क्वायर करिए और फिर एक उससे अगले वाले नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 11 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 121, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया तो आपका हो गया 144। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखना है, ये तो आपका 11 तो फिक्स हो गया कि छोटे वाला ही सबसे पहली संख्या रखी जाएगी 11। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आप इसमें से 2 आएगा या 8 आएगा लास्ट में, ये देखना है कि ये किसके पास में, 125 121 के पास में, 144 के पास में, तो आप देखेंगे यहाँ पे 121 के पास में है तो आपका ये 2 आ जाएगा। अगर ये होता है 144 के पास में बड़े वाली की, तो बड़े वाली हो जाती है आपका 8 यहाँ पे अगर होता तो, ठीक है। तो इस तरीके की ये शॉर्ट ट्रिक होती है आपकी स्क्वायर रूट की, ठीक है, क्यूब रूट की भी मैंने बताई है। तो आशा करता हूँ कि आपने वो सारी वीडियोस देख रखी होगी, अगर देख रखी होगी तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक सेकंड में समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे जो बच्चे बोल रहे हैं कि आपने मतलब इतनी सारी वीडियोस अपलोड की है और वो सारी की सारी आपको हेल्प कर रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ें सुन के। कमेंट आए इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आप ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ दे रखी प्लेटफॉर्म की 220 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी 80 मीटर, और स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम यहाँ पे पूछा कि जो ये ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर जाएगी, तो मैंने क्या बताया, जब भी किसी रुकी हुई चीज़ को ट्रेन पार करके जाती है और उसकी कुछ लेंथ होती है, जैसे अभी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी रखी 220 मीटर, तो क्या करते हैं आप, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों को प्लस करते हैं और ट्रेन की स्पीड से भाग कर देते हैं, यही तो करते हैं ना। तो ये क्वेश्चन तो हज़ारों बार मैंने करा रखा है ना, बहुत ही सिंपल है, दोनों की लेंथ को प्लस करिए, 220 प्लस 80 और डिवाइड कर दीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18 की मल्टीप्लाई करके, तो 18 से 54 जाएगा 3 बार, 3 की 5 में करेंगे 15, तो 300 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा 20 सेकंड, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक तो जरूर करके जाएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन जो होता है ना, मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूँ, और मोटिवेट करना चाहिए और रहना भी चाहिए, क्योंकि आप मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आपको एग्जाम कैसे अच्छा करके आएंगे। आप सोच करके देखिए कि मैं अच्छा करके आऊँगा और मैंने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज, अब बहुत ही सस्ती है, मेन बात यह है कि 120 रुपये में, कुल ही 120 रुपये में है। अगर आपका अभी टाइम है, अगर आपके 10 दिन का भी टाइम है, तो आप जरूर परचेज कर लीजिए उस टेस्ट सीरीज को, और मैक्सिमम टेस्ट लगा के देखिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है बच्चों को जब वो एग्जाम देने जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जब आप इस 120 की टेस्ट सीरीज को खरीद लेंगे, वहां पे 149 मिलेगा, एक कोड है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो छोटा सा त्रिभुज बना होता है कोने में, इसको पे क्लिक करके खोल के देखिएगा,
वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, कोड भी मिल जाएगा कि डिस्काउंट के लिए कोड कैसे यूज करना है, सब कुछ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और प्रीवियस सारी वीडियोज़ को देखने के नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैंने एक कोर्स बनाया है केवल अनअकैडमी पे, ठीक है, अनअकैडमी पे केवल ग्रुप डी वालों के लिए, और वैसे अदर किसी एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट एक कोर्स मैंने स्पेशल बनाया था ग्रुप डी के लिए, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको दे रखा है, वहाँ से जाके आप लिंक पे जा करके खोल के देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप तो आपको फिर बाद में भी डाउनलोड ही करना पड़ेगा जब आप उसको देखेंगे, तो ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर सौरभ मलिक सर्च करके आप उस कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और आगे की वीडियो का वेट करते रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।